अभी मैं हूँ पटना के गांधी मैदान में और आप देख सकते हैं मेरे साथ है कौन, मार्कोस सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और हमेशा ये वायरल होते रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में अभी ये ट्रेनिंग करा रहे हैं स्टूडेंट लोग का, आप जैसा कि देखा भी सकते हैं। और मार्कोस सर से मैं सारा चीज़ें जानने का कोशिश करूंगा, वैकेंसीज के बारे में और भी बहुत सारे सवाल पूछूंगा इनसे। और आप जानते हैं कि पटना का सबसे फेमस फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर मार्कोस सर का, और यहाँ पर हमेशा रिजल्ट होता ही रहता है और इस बार भी रिजल्ट गर्दा हुआ है मार्कोस सर के टीम के द्वारा। तो मार्कोस सर, मैं तो आपसे वैकेंसीज के बारे में पूछूंगा, इससे पहले आप थोड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चा लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें, कहाँ जाएं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। साथियों जय हिंद, सबसे पहले आप सभी को और मार्कोस टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहाली चल रही है फायरमैन की, बहाली चल रही है अग्निवीर की, हम सभी तैयार है कमर कस के आपके लिए। फायरमैन के लिए स्पेशल बैच हमारे यहाँ चल रहा है, पीछे आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। और अभी हमारे बीच कुनार भारद्वाज जी, जो कि बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए रामबाण कहा जाता है, काफ़ी मेहनत किया है हमारे साथ साथ हमारे सहपाठी कुनाल भारद्वाज भाई, और आज हमारे बीच आए हैं जानने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आप सभी को। और हमारे बीच एक और स्पेशल गेस्ट आया है, ये हमारा छात्र है जो आज पटना ज्वाइन करने आया है स्पेशल ब्रांच में, ये हमारा छात्र रहा है 1415 में। कुछ पहले मैं इससे जानूंगा, उसके बाद क्योंकि एक मोटिवेशन होती है, गांव का लड़का आके पटना से तैयारी करके भूखा पेट रह के कैसे नौकरी लेता है वो ये लड़का बताएगा, और मार्कोस ने क्या किया है इसके लिए ये बताएगा। उसके बाद मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में कुछ बयां करूंगा अपनी मार्कोस एकेडमी के बारे में, उसके बाद बहाली की चर्चा की जाएगी, बहाली कब आएगी, किस तरीके से आएगी, कितनी पोस्ट पर भर्तियाँ होगी और कैसे भर्ती में पास करना है सारी। और आप लोग को पता है कि मार्कोस सर जो डेट बताते हैं, आप लोग को पता है फायरमैन का डेट, चाहे तो 1415 का जो रिजल्ट आया, जो मेरिट लिस्ट आया, ये डेट जो बताते हैं वो डेट सही होता है। तो जो वैकेंसी आने वाले हैं उसका डेट मैं मार्कोस सर से पूछूंगा, और उस डेट को आप लोग देख लेना, उसी डेट को आएगा, तो ये चीज़ कन्फर्म होने वाला है। और वैकेंसीज को लेकर बहुत सारे मैटर भी चलते रहते हैं, आएगा नहीं आएगा, पर मार्कोस सर का हमेशा बात सही हुआ है, तो आज मैं इनसे सारा चीज़ जानूंगा अपने बारे में। शेखर, आपने किस तरीके से तैयारी किया? एक्चुअली बात यह है, वीडियो के अंदर ये बताना है कि बच्चे मोटिवेट हों, स्ट्रगल क्या रहा तुम्हारा, तुमको कौन ऐसा चीज़ है जो कुछ करने पर मजबूर किया, तुम्हारी गरीबी या तुम्हारा मोटिवेशन या तुम्हें ये करना ही था, आप बताइए इस वीडियो के माध्यम से। हमको जो है जोर से, हमको जो है गरीबी के ने हमको जो है ना मजबूर कर दिया, इसके कारण जो आज हम बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच पटना में जो है ना, हमको मेरिट लिस्ट में जो है नाम आया। ये बात ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, मार्कोस सर के द्वारा इस बार भी गर्दा रिजल्ट में 1415 कॉन्स्टेबल में। मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारा छात्र बताएगा कितना रिजल्ट है इस बार। सर हमको लगता है लगभग 130 प्लस बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है मार्कोस एकेडमी से। कम बच्चा रहते हुए भी इतना ज़्यादा रिजल्ट, और मार्कोस सर ये वर्दी दिलवा रहे हैं कोई छोटा मोटा बात नहीं है। मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे, कल मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर 3 बच्चे आए थे जो लोग सेलेक्ट थे, तो कल मिठाई खिला रहे थे, तो कल ज़्यादा रात हो गया था तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया था, पर अभी भी लगातार स्टूडेंट लोग हम हमेशा यहाँ पर मिलते आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी स्टूडेंट आपको जैसा कि बता रहे हैं कि इनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है 1415 कॉन्स्टेबल में। साथियों है जोश जिंदगी में तो जुनून होना चाहिए, और सपना है फौजी बनने का तो गर्म खून होना चाहिए। मैं कहता हूँ न संघर्ष न मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज यहाँ पे आंधी भी आई है, तूफान भी हुई है और बारिश भी हुई है, फिर भी बच्चे डटे हैं। ये बच्चे उस गरीब के हैं जो खेत में किसान काम कर रहे हैं, और ये शरीर जो देख रहे हो हाथी की तरह ना, ये भी गरीब का बनाया हुआ है, गरीब किसान का बनाया हुआ है। और मैं कसम खाया हूँ, मैं धरती माँ की कसम खाता हूँ, जो लड़के आएंगे उनको वर्दी दिलवा के भेजूंगा। साथियों ये लड़का जीता जाता उदाहरण है, और ऐसे ऐसे हजारों लड़के को मैंने भर्ती कराया है, न जाने कई रेजिमेंट इंडियन आर्मी की आज हमारे युवा उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। मार्कोस सर ऐसे ही फेमस नहीं है, मार्कोस टीम ऐसे ही फेमस नहीं है, हमेशा रिजल्ट देता है और हमेशा वायरल होते रहता है। आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं कि हमेशा ये फेमस रहते हैं। और मैं इनसे वैकेंसीज के बारे में जानना चाहूँ कि जो सर आप बताते हैं डेट, जो भी अपडेट देते हैं ये 100% सही साबित होता है, तो वैकेंसीज के बारे में बता दें किस किस चीज़ का वैकेंसी जा रहा है, और आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चल चला जा रहा है? नहीं, सबसे पहले अभी नई गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट अच्छा काम करने पे है, और बहाली जो है वो बिहार पुलिस ड्राइवर की आने वाली है। वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले ना मेरे दोस्त, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन का। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन का, ये मैं आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर, पिछले बार के आप एग्जाम में देखे होंगे, इस किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोई बताने का जरूरत नहीं है कि चक्षु प्रकाशन किस लेवल का किताब है। और आपको मैं बता दूं, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2000 प्लस
बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, दो सॉल्व पेपर होते हैं, और इसमें क्या मेन बात है ना, ये सबसे लेटेस्ट सिलेबस पे आधारित होता है, जो सबसे लेटेस्ट सिलेबस होता है ना इस पे आधारित होता है, तो ये सबसे बेस्ट बुक। और मैं बता दूं, आप इस किताब को अपने नज़दीकी दुकान में जहां भी रहते हैं ना, अगर नज़दीकी दुकान में जाकर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको जाकर पूछना चक्षु प्रकाशन का किताब है, आपको तुरंत यहीं पर मिल जाएंगे। आप जहां भी खोजेंगे इसको मिल जाएगा। आप अमेजन से ही मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। आप इसके पेपर भी देख सकते हैं, इसका नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप पर मेरे यहाँ पर दिया गया है। आप इसका सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्वेश्चन किस लेवल का होता है, आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किताब बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एग्जाम के लिए। तो चक्षु प्रकाशन का जो किताब है सबसे बेस्ट बुक है, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की 11,000 समथिंग बहाली आपके सामने इस मंथ के एंड में या अगले मंथ के स्टार्टिंग में देखने के लिए 100% मिल सकता है। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, ड्राइवर, सारी बहाली आपके सामने बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। आप लोग पूरी तरीके से जो 11,880 में 8415 में मेरिट नहीं बना पाए, कमर कस के तैयार हो जाएं और बिल्कुल रेडी हो जाएं। हम सभी आपके लिए तैयार हैं, पूरी मार्कोस टीम और ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो राम बांध का काम आता है बहाली के समय में, वो हमेशा तैयार रहेगा और तैयार है भी कमर कस के। सर, कांस्टेबल के बारे में सर कितना पोस्ट आ रहा है, सर कितना वैकेंसी जाएगा? कहा जा रहा है 11,885 पोस्ट, ये बाहर भी आउट हो चुका है, उतना आ रहा है, लेकिन ये पूरी क्लियर नहीं हो पाई है कि सीट कितनी आएगी और कितनी सीट पे भर्ती आऊंगी। और अगले बार मैं फिर आऊंगा इनके पास। फायरमैन का देख सकते हैं आप लोग, फायरमैन का बच्चे लोग यहाँ पर पूरा भरे हुए हैं, रगड़ दे रहे हैं फायरमैन को साथियों, रगड़ के ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर जैसे ही सबका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो मैं फिर आऊंगा और आपको बताऊंगा भी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि जैसे ही मैं आऊंगा कुछ भी अपडेट देना होगा तो मैं मार्कोस सर के साथ हमेशा आपको अपडेट प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए जय।